हेलो दीप रमन जी हेलो मानसी जी हेलो कुलवीर जी पहले मैं आ रही थी पाँच मिनट पहले हेलो जगदीप जी लेकिन ना वो स्ट्रीम चली नहीं किसी रीज़न से तो मैं ठीक हूँ और किसी रीज़न से हम मिल नहीं पाए थे यहाँ रख लेती हूँ इसको ना पता चलता रहेगा तो जैसे कि आपने बोर्ड पे देखा सरोजनी नायडू पढ़ेंगे ठीक है और स्ट्रैटेजी यही है कि फटाफट से कोर्स खत्म करते हैं देन लिंग्विस्टिक करेंगे और फिर करेंगे एम सी क्यूज हेलो ज्योति रानी जी मेरे को पता है कि आपने बहुत सारे उस पर पूछ रखा था कि कैसे कांटेक्ट करें कैसे कांटेक्ट करें है हाँ ना मेरी तरफ से सभी को हेलो है और फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम आ गया है तो अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए फुल नेम इनका ठीक है ईयर यही है 1879 से लेकर 1949 कुलदीप जी मैं ठीक हूँ? ठीक है स्टार्ट करते हैं सरोजनी चट्टोपाध्याय बाद में आ जाता है सरनेम में नायडू ठीक है क्योंकि जिनसे इनकी शादी हुई वो तमिल थे बेसिकली तो नायडू इनके नाम के आगे जुड़ जाते हैं अब जब आप इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेंगी कि इनको मतलब वैसे तो हम सुनते ही हैं कि नाइट एंगल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है तो ये एक तरीके से क्या था जो कहते हैं ना टाइटल अगर सिंपलेस्ट वर्ड में मैं ये बात करूँ तो एम के गांधी यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी जी जिन्हें हम गांधी जी भी कहते हैं उन्होंने इनको ये सॉब्रिक्यूट यानी कि एक टाइटल दिया था एक ऑनर दिया था क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ थे ठीक है दिमाग में क्या थी ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी पॉल साइंस में अक्सर हमने पढ़ा ही है जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी है इंडिपेंडेंस के बारे में जानते हैं तो उनको ये नाम पता है कि सरोजनी नायडू किस एज अ गवर्नर भी काम करती थी किस किस प्रोविंस की ये हेड रही गवर्नर रही और कितनी मूवमेंट्स ऐसी थी पॉलिटिकल जिसमें कि इनका इन्वॉल्वमेंट रहा वो भी बहुत एक्टिव ठीक है तो ये टाइटल जो इन्होंने दिया था द नाइटिंगल ऑफ इंडिया तो इनको कहा जाता है नाइटेंगल कोकिला को बोलते हैं कि वो बहुत अच्छा गाती भी हैं तो एक रीज़न मैं आपको ये भी बता दूँ शी वॉज ऑल्सो अ वेरी गुड सिंगर तो वो गाती भी थी ठीक है पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थी टू पोइट भी थी डिफरेंट पर्सनैलिटी भी थी ठीक है तो ये चीज़ शायद आपको ना पता हो कि नाइटेंगल उनको ऐसे ही नहीं दिया गया था वो गाती भी थी वाकई में गाती थी तो साइड बाई साइड कॉमेंट चल रहे हैं हेलो मनदीप जी जब वो हेलो नहीं करा तो वो ये ना सोचे कि भाई नहीं किया ठीक है तो क्यूट का एक मतलब मतलब निक नेम भी होता है कभी बाद में कोई कमेंट करके बोले कि भाई क्यूट का मतलब क्या होता है तो ये वर्ड आपको क्यूट देखने को मिलेगा मतलब होता निक नेम एक चीज़ जो मुझे बतानी है वैसे वो भी मैं मीन बता दूंगी लेकिन ये है कि आफ्टर मैरिज इनको भेज दिया गया था इंग्लैंड ठीक है तो बहुत सारे टाइम इन्होंने इंग्लैंड में बिताया लंदन में बिताया, और वहां पे ये दो लोगों से मिली एक थे आर्थर सिमोन्स और जो दूसरे पर्सन थे वो थे गोसे ठीक है दोनों ही क्या है एक तरीके के राइटर थे इन दो लोगों का रोल इनकी लाइफ में बहुत ज्यादा रहा क्योंकि जो पोइटिक कॉन्ट्रीब्यूशन इन्होंने दिया उसमें इनका जो रोल है ना इनकी जो सिग्निफिकेंस है वो इन दो लोगों की बहुत ज्यादा इम्पॉर्टेंट है ठीक है तो ये वहां गई जरूर थी संदीप जो ये जी पहले मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराती थी लेकिन क्या है कि आजकल मैं जल्दी जल्दी बनाती हूँ ना ठीक है तो मेरी हैंडराइटिंग का थोड़ा सा अब कौन मैसेज कर रहा है तो मेरी हैंडराइटिंग का थोड़ा सा इशू हो सकता है ठीक है तो इसलिए मैं पी नहीं देती बट आप ग्रुप ज्वाइन करेंगे अगर तो उसमें आपको कहीं ना कहीं वो चीज मिल जाएगी ठीक है तो आप देखेंगे तो आपको ये चीज मिल जाएगी नहीं तो आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर सकते हैं क्या क्या ये थी इंडियन इंडिपेंडेंस के दौरान क्या थी बेसिकली क्या थे इंडियन पेट्रियोट जिसे कहते हैं ना बिल्कुल देशभक्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट क्योंकि आपको ऐसी रेफरेंस मिलेगी राउंड सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस जैसे कि गोल मेज सम्मेलन कहते हैं उसमें इनका पार्टिसिपेट रहा दांडी मार्च 1929 से लेकर 30 तक चला उसमें ये रही एज एन एमिनेंट पर्स इमिनेंट पर्सनैलिटी क्विट इंडिया मूवमेंट थी उसमें भी इनका रोल रहा तो ये एज अ वुमेन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बहुत सारी फोटोग्राफ्स में आपको महात्मा गांधी जी के साथ ये दिख जाएंगी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थी लोग इनको जानना और पढ़ना पसंद करते थे ठीक है फ्रीडम फाइटर तो ये थी ही पेट्रियोट मतलब एक तरीके से देशभक्त और फ्रीडम फाइटर मतलब इन्होंने जेल भी गई ये ठीक है 47 के अराउंड 46 में गई और इनको थोड़ा सा रिलीज कर दिया गया था पहले बिकॉज जेल में इनको मलेरिया हो गया था इसकी रेफरेंस आपको मिल जाएगी ऑल्सो सर्वड प्री इंडिपेंडेंस के एरा में ठीक है यूनाइटेड प्रोविंसेस होता है ये तो यूनाइटेड इसलिए क्योंकि ब्रिटिशर्स यहाँ पे ब्रिटिश राज राज्यब्लिश करके गए थे प्रोविंसेस मतलब जो रियासतें थीं तो उसमें से दो आपको रेफरेंस मिलेंगी एक है आगरा और एक है अवध जहाँ की ये गवर्नर रही पहले ये यहाँ की गवर्नर रही थी देन फिर यहाँ की गवर्नर मिली और ये फर्स्ट वुमन थी जो एज अ गवर्नर रूल कर कर गई ठीक है तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कभी कभार हो सकता है कि ये आपके नॉलेज चेक करने के लिए पूछा जाए क्योंकि इनमें ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं है जो भी इनकी पोम्स हैं आज मैंने जो डिस्कशन ग्रुप है उसकी थोड़ी सी सेटिंग चेंज की है ज़्यादा टाइम वो सेटिंग चेंज नहीं रहेगी दो ही दिन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर जो है सिस्टम जो है वो अपडेट हो रहा है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैंने किया है ठीक है आप चाहें तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना इसके वो मिल जाएगा लिंक टेलीग्राम ग्रुप का हाँ जी संदीप जी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आप चाहे तो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं उसमें मीडिया फाइल्स जितने भी पी वगैरह हैं कुछ ना कुछ काम का आपको वहाँ पर जरूर मिलेगा जो लोग नए जुड़े हैं उनके लिए ये खास तौर पे है जो पहले से साथ हैं उनको ये बात पता है ठीक है बाकी संदीप जी ने भेजा है कि 1942 में शिव सेंट टू जेल हाँ जेल उनको बहुत बार भेजा गया 1942 के अराउंड वो चल रहा था क्विट इंडिया मूवमेंट जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं ठीक है उससे पहले भी ये लोग जेल गए हैं क्योंकि क्या फ्रीडम फाइटर्स थे बहुत कुछ चाहते थे चेंजेस ठीक है और शायद यही एक रीज़न है कि 1947 में कुछ हद तक बल्कि बहुत एक हद तक मास लेवल पे हम कामयाब हो गए ऑल दो कॉन्स्टिट्यूशन वैसे आज मुझे याद आया आज हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन डे है है ना आज के दिन 26 नवंबर 1949 में सबसे पहले सोचा गया था कि इसको इंप्लीमेंट करेंगे आज के दिन ये प्रॉपर बनकर तैयार हो गया था याद आ गया सिविल राइट्स की ये बात करती हैं गवर्नर इनके बारे में मैंने आपको बता दिया ठीक है और क्या रह गया किसी ने मुझे ये नहीं लिखे भेजा ना प्रेसिडेंट हाँ ये लिख देती हूँ पॉइंट होना चाहिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ठीक है जो आज तो सिर्फ ओनली कांग्रेस है जिसको कि स्प्लिट हो गई थी दो पार्ट में 1885 में तो ये 1925 में यहाँ पे भी एक जिसे कहते हैं ना चेयरपर्सन प्रेसिडेंट रही हैं और कोई भी वुमन पर्सनालिटी 1925 में इस हद तक पॉलिटिक्स में नहीं थी तो इनका रोल जो है आप देख सकते हो कितनी मास लेवल पे जो टीम उस टाइम काम कर रही थी क्योंकि बाकी तो पॉलिटिकल पार्टीज का दबदबा उस टाइम नहीं था ठीक है अगर आप में से जितने भी लोग हिस्ट्री बैकग्राउंड से हैं ह्यूमैनिटीज़ के बैकग्राउंड से हैं पॉलिटिकल साइंस अगर ग्रेजुएशन लेवल पे भी पढ़ी है या कहीं भी पढ़ी है तो आप जानते होंगे इनकी पोइट्री में किस तरीके के कि थीम्स के बारे में ये बात करती हैं पहली बात तो इनकी पोइट्री जो है लिरिकल है यानी कि म्यूजिकल है ठीक है कहीं कहीं किसी किसी स्कूल में जब सरोजनी नायडू की कोई पोइट्री लगा दी जाती है तो बच्चों को कहा जाता है कि इसको लिरिकल फॉर्म में गाएं तो छोटी होती हैं पोम्स अच्छी बात यह है कि इंडियन राइटर्स हैं तो किसी थीम को लेकर लिखती है ठीक है तो लिरिकल है पोइट्री सबसे अच्छी बात लव के बारे में बात करती है कॉन्सेप्ट ऑफ लव हेलो वंदना जी क्या है वी आर फाइटिंग विद दिल्ली हेलो वैसे मैं भी थोड़ा सा देख रही थी न्यूज थोड़ी सी तो नहीं बोलूँगी ज़्यादा ही देख रही थी तो इस चक्कर में मुझे ये लगा है जैसे कल अम्बाला बॉर्डर सील हो गए थे तो मुझे ये था कि अगर कोई अम्बाला से ई का पेपर देने जा रहा है या आ रहा है क्योंकि बॉर्डर सील हो जाते हैं ना तो नियर बाय जैसे हमारे यहाँ से एन लगता है तो कैपिटल टेरिटरी है यानी कि हरियाणा बॉर्डर शुरू हो जाता है तो फरीदाबाद गुड़गांव दिल्ली से बिल्कुल टच है बट हरियाणा में है तो मैं भी यार सोच रही थी कि मेरा भी कोई एग्जाम है जो गुड़गावा के किसी सेंटर में पढ़ा है बेसिकली हरियाणा में पढ़ा है और बॉर्डर सील है तो फिर क्या किया जाए ठीक है तो जो आपके पंजाब में चल रहा है हरियाणा थ्रू दिल्ली के थ्रू तो अभी तो मेजर तो यही है कि भाई जो जहाँ है वहाँ वो सेफ रहे रीजन्स सबको पता ही है किस चीज़ से डील करता है डील विद लव एंड डेथ ठीक है तो डेथ इज इनएविटेबल कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता मिलता जुलता है सेपरेशन थीम बता रहे हैं ये ठीक है सेपरेशन एंड लॉन्गिंग सेपरेशन तो होता है ना कि भाई अलग हो गए लॉन्गिंग होता है इंतजार करना किसी का भी हो सकता है ठीक है द मिस्ट्री ऑफ लाइफ जो कि कोई नहीं जानता शायद यही पार्ट ऑफ लाइफ है ठीक है और इसको जीना उस तरीके से आर्ट ऑफ लाइफ है है ना तो यही मिस्ट्री है जो कि अनरिजॉल्व रहती है लास्ट चीज बहुत ज्यादा लॉन्गिंग आपको एक चीज के बारे में मिले, मिलेगी वो है आइडल पास्ट बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि काश उस टाइम ऐसा कर लेते तो वो प्रेजेंट में ना अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे होते हैं तो इनके स्टोरीज में या इनके जो पोम्स हैं ना ऐसी चीज़ इनके वर्क में मिलती है आइडल पास्ट के बारे में प्लस आइडल लव के बारे में बात की गई है ठीक है पास्ट तो समझ आता है बट आइडल जैसी वैसे तो कोई चीज़ होती नहीं है और आइडल लव जैसी तो कोई चीज़ मुझे लगता नहीं है कि होती है हाँ जी मनदीप सिद्धू जी मैं ठीक हूँ जी बहुत बढ़िया ठीक है आप में से काफी लोग पूछ रहे हैं तो जो जो पूछ रहा है उसके लिए आज मैं लिंक नहीं सेंड कर पाई कुछ रीजंस हैं उसके पीछे फ्यूचर में कभी मौका लगेगा तो उसके बारे में जरूर बताऊंगी ठीक है तो अभी तो नहीं डिस्कस करेंगे प्ले आया था इनका एक जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा मेहर मुनीर ये जब ये कहा जाता है जो अभी बारह साल की थी ना बिकॉज ये बहुत ही रिच हेरिटेज से बिलोंग करते हैं इनके फादर को कहा जाता था वॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करती थी ठीक है हैदराबाद यानी कि साउथ इंडिया से ही हैं बेसिकली तो ये भी ब्राह्मीण फैमिली से बिलोंग करते थे जैसे आर के नारायण थे राजा राव थे तो अगर आप देखें ना बैकग्राउंड इंडियन राइटर्स का तो आपको मोस्टली लोग बाहर से पढ़े हुए मिलेंगे ठीक है अगर आप टैगोर को देखें या आने वाले एक दो राइटर्स और हैं अगर हम उनको देखेंगे ना तो उनकी जो शिक्षा और दीक्षा है ना एक तरीके से बहुत हद तक वो बाहर भी गए हैं और स्पेशली जब देश आज़ाद नहीं था ना तब गए हैं तो ऐसे में ये किस क्लास के लिए पॉसिबल है देखो मिडिल क्लास के लिए और जो पेजेंट्री क्लास होती है ना जो लोअर मिडिल क्लास होती है जो बिल्कुल ही पुअर वर्किंग क्लास है उसके लिए पॉसिबल नहीं है पुराने सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखो तो जमींदार जो होते थे जिनकी बहुत ज़्यादा एक हेरिटेज हुआ करता था फ्लैट्स होते थे प्रॉपर्टीज होती थी लैंड मतलब जिसको कहते हैं या रेवेन्यू होता था वो लोग जाते थे इनकी मदर के बारे में भी कहा जाता है कि शी वॉज अ वेरी कल्चर्ड वुमन तो बहुत अच्छा वो भी लिखती थी तो उनसे मदर से और फादर से दोनों से इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इनहेरिट की थी इसीलिए जब ये बारह साल की एज में थी तब इन्होंने एक ये प्ले लिखा था मेहर मुनीर ऐड कर लेना उसमें इसमें ऐड कर लेना ठीक है और ये किसके था नवाब ऑफ हैदराबाद उन दिनों जो होते थे बिकॉज नवाब वैसे तो नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है बट है, हैदराबाद के जो नवाब थे उनका भी एक अपना ही अलग कल्चर रहा है ठीक है, जैसे अवध के थे तो इनको बड़ा ही इनका ये वर्क पसंद आया था तो मैंने एक पेपर देखा था ठीक है साउथ इंडिया का ही था उसमें ये पूछा गया था कि मेहर मुनीर किसका वर्क है तो थोड़ा सा इसका ध्यान रख लेना नहीं दीप रमन जी ऐसा कुछ नहीं है लो वाली बात नहीं है दरअसल मैंने आपको पहले भी कहा ना कि कुछ एग्जाम्स वगैरह चलते रहते हैं अब दिक्कत यही होती है ना कि अगर आठ छः घंटे यहाँ वही बात है ऑफिस आज जिन्हें जो कहते हैं ना वहाँ आठ घंटे काम करके आओ देन फिर एक ही तो काम कर सकता है इंसान सारे थोड़ी ना कर सकता है पोम्स की बात करते हैं वैसे मैंने आज एक लिंक सेंड कर दिया है ग्रुप पर दो लिंक सेंड किए हैं एक में सरोजनी नायडू के बारे में पूरा बायोग्राफिकल स्केच दिया हुआ है दूसरे में उनकी लिस्ट ऑफ पोम्स दी गई हैं ईयर इनका नहीं पूछता ठीक है बहुत ही कम रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है कि वो इनका ईयर पूछेगा कुछ राइटर्स होते हैं ऐसे जिनके वर्ग का सिर्फ नाम पूछा जाता है ठीक है तो उसमें जितनी भी कलेक्शन ऑफ पोइट्री इनकी है आज तक तीन है चार है या जाने के बाद इस दुनिया से जब ये चली गई तो इनकी बेटी थी पदमाजा ठीक है ऐसा नाम था उनका ये नाम है तो इन्होंने भी दो कलेक्शन को पब्लिश करवाया था ठीक है तो जितनी भी उन कलेक्शन में फोर्टी सिक्स है ट्वेंटी थर्टी वन जितनी भी है मैं आपको रैंडम यहां आइडिया दे रही हूं वहां से जाके सिर्फ नाम पढ़ लेना ठीक है सिर्फ नाम पढ़ लेना क्या है विलेज सॉन्ग यह आपको मिल जाएगा उसमें ये जो होते हैं ना एट्थ क्लास तक हर स्कूल में एनसीआर नहीं लगाई जाती नाइन्थ टू ट्वेल्थ सीबीएससी की तरफ से कि एनसीआरटी ही फॉलो होगी तो काफी ऐसे पब्लिकेशन हाउस है मैं नाम नहीं ठीक है लेकिन काफी जगह ये पोम लगाई गई है क्लास सेवेंथ में नेक्स्ट है द बर्ड ऑफ टाइम अब इसको थोड़ा सा स्टोरी बना के याद कर लेना देखो सॉन्ग्स ऑफ लाइफ पूरा नाम है मैंने कहा था ना लाइफ और डेथ के बारे में ये बात करती हैं मिस्ट्री ऑफ लाइफ के बारे में ये थीम की बात करती हैं सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड हेलो खुशी मैं ठीक हूं बहुत ठीक हूँ द स्प्रिंग और स्प्रिंग सीजन क्या होता है सिंबल ऑफ लाइफ है ना अगर नहीं पता तो 1912 में ही ये आया है और ये जो वर्क है ये इनका फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री कहा जाता है यानी कि किताब है बेसिकली बुक है उसके अंदर बहुत सारी पोम्स हैं तो ये फर्स्ट कलेक्शन माना जाता है इसमें कितनी पोम्स हैं 46 तो 46 आपको रिटर्न में आइडिया मिल जाएगा और इसका जो टाइटल है वो उमर खयम से लिया गया है ये आप कहीं और भी पढ़ेंगे और एक जगह हमने इसको और पढ़ा है ठीक है तो इनके बारे में अगर आप सर्च करना चाहो हेलो अमृतपाल जी तो आपको ये आइडिया वहाँ मिल जाएगा गूगल करोगे ना नाम डालोगे तो आपको इंफॉर्मेशन ये दे देगा आगे देख लेते हैं पैलक्विन बियरर्स ये भी किसी प्राइवेट पब्लिकेशन ने ये लगाई है बुक मतलब पोम है बेसिकली ठीक है पैलक्विन बियरर्स नाम आपने बहुत सारी जगह हो सकता है पढ़ा हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है अगर आप गूगल बुक्स को जाएंगे तो एक पब्लिकेशन हाउस है कथा पब्लिकेशन हाउस ठीक है ऐसा लिखा है कि कथा ने ये चीज़ 2012 में पब्लिश की थी पोम ही है और इस पर आप अगर सर्च करोगे तो आपको लाइंस में मिल जाएंगे पढ़ना चाहो तो वैसे ज़रूरत नहीं है जो लिंक आज मैंने ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे जो सेंड किया है उसमें से सारे पोम्स के नाम पढ़ लेना ज़्यादा टाइम इनको देने की ज़रूरत नहीं है

आर्थर ठीक है जिनके बारे में अभी नीचे मैंने लिखा था थर्ड पॉइंट में कुछ लिखा था कि दो लोगों को एक साइमन और एक एडमंड गोसे जी ओ डबल एस ई बहुत ज़्यादा वो पसंद करते थे इनको और एक इनके वो है द गोल्डन थ्रेश ओल्ड करके उसका इंट्रोडक्शन इनके ही एक फ्रेंड ने लिखा है जब ये दरअसल इंग्लैंड गई थी ना तो दो लोगों के कॉन्टैक्ट में आई थी जिनके बारे में मैं बता चुकी हूँ प्रेज किया गया एम के गांधी ने इनको टाइटल दिया तो मैंने कहा ना ये बहुत सारे शायद आप आए नहीं थे उस टाइम खुशी कि बहुत सारे लोगों ने ना इनकी लिखने की हैबिट की वजह से भी प्रेज़ किया है और यही एक रीज़न था कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव मानी जाती थी वो पॉलिटिकली भी एक्टिव थी वो जेल में भी लिखा करती थी ठीक है जैसे अगर आपको ध्यान हो तो जवाहरलाल नेहरू जब जेल में थे तो उन्होंने इंदिरा गांधी जी के नाम पे एक लेटर लिखा था बहुत सारे लेटर्स वो लिखा करते थे तो वो वो जेल में क्या करते थे तो यही सर्कुलेशन चलता था ताकि वो अपनी बात को कर सके तो गोपाल कृष्ण गोखले हुए और अदर लीडर्स हुए जिनके बारे में विकीपीडिया में दिया गया है वहां से पढ़ लेना स्पीचेज एंड राइटिंग्स ऑफ सरोजनी नायडू इसका अगर ईयर पता है तो बता देना ठीक है फिर आता है सरोजनी नायडू ऐसे लिख दिया एस एन सरोजनी नायडू सिलेक्टेड पोम्स एक अलग से ये किताब आई है जिसमें महज कुछ होता है ना इंपॉर्टेंट कुछ चंद इंपॉर्टेंट पोम्स को फिर से कलेक्ट करके छापा गया है कुछ अलग नहीं है ठीक है नाम दे दिया ऊपर और फिर पोम्स आई हैं कोई बात नहीं खुशी थोड़ा सा मौसम भी चेंज है ध्यान रखिए अपना ठीक है अगर इसका नहीं पता तो ये है 1925 बता दिया सिक्स के देखते हैं जिसके बारे में बात कर रही थी ना गोल्डन थ्रैश वैसे द गोल्डन थ्रैश थ्रैश होल्ड है ये, ये सेकेंड पोएट्री है सेकेंड कलेक्शन ऑफ पोएट्री ठीक है तो इसको नाम दे देते हो यहाँ पे अब आप कहेंगे कि इससे पहले वाली भी तो पोम्स ही थी हाँ जी पोम्स हैं लेकिन कई बार राइटर के कुछ ऐसे वर्क होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस क्या चीज 1905 अच्छा ये कह रही होंगी तो इसमें क्या है इसमें फोर्टी पोम्स हैं और खुशी ने इसका आंसर दे दिया नाइनटीन जीरो फाइव ठीक है तो इसका नाम थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अब एक गलती आप ये बिल्कुल मत करना कि जाके गूगल पे अगर टाइप करोगे ना कि फोर्टी पोम्स या नेम ऑफ द पोम्स दैट आर इंक्लूडेड अंडर गोल्डन थ्रैश ऐसी गलती मत करना ठीक है ऐसी गलती करोगे मुझे पता है मेरे कहने का कोई फ़ायदा नहीं है बहुत सारे लोग ऐसा काम करेंगे और फिर वो मैसेज भी करते हैं तो कहना मेरा काम था ठीक है पहला मेन फोकस यही होना चाहिए कि अब थोड़ी सी स्मार्ट लर्निंग कीजिए जिसके बारे में मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि पहले राइटर के वर्क को आइडेंटिफाई कीजिए अगर वर्क याद हो जाते हैं और इतना पता चल जाता है कि किस राइटर का है तो उसका डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपको आइडिया हो जाएगा ठीक है तो जहाँ तक मास्टर कैरेक्टर के अगर पिछले पेपर को आप एनालिसिस करेंगे तो बहुत ही कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो उसने सेम एज के ईयर दिए हैं ठीक है अगर लास्ट वाले वर्कर का ईयर 1905 था तो उसने 18 सेंचुरी का भी कुछ दिया है या फिर 1955 ऐसा कुछ भी दिया है तो वेरिएशन बहुत ज्यादा है डिफरेंस ईयर्स के बीच में ऑप्शंस के ईयर्स के बीच में बहुत ज्यादा है तो अगर कोई थोड़ा भी पढ़ जाएगा ना अपनी तरफ से 70% भी देके जा रहा है तो वो कुछ ना कुछ करके आएगा पेपर में ठीक है द ब्रोकन विंग ज्योति रानी जी फर्स्ट कलेक्शन इन द देंस फर्स्ट फर्स्ट के बारे में मैंने बोला ना फर्स्ट कलेक्शन काउंट कर लो उसको द बर्ड ऑफ़ टाइम को सेकंड कर लो है तो फेमस ही ना ठीक है तो अगर आप ईयर वाइज कर रहे हो तो 1912 में जो द बर्ड ऑफ टाइम किया था जिसमें सॉन्ग्स ऑफ लाइफ डेथ एंड मिस्ट्रीज ऐसे कुछ था ना तो वो 1912 जो था हाँ सेकंड काउंट कर लो ईयर वाइज ठीक है तो इतनी है, मत परेशान हुआ करो मैंने क्या छोड़ दिया मैंने एक चीज छोड़ दी ये तो गया 1917, ठीक है क्योंकि ईयर क्रॉस चेक करते करते ना ऊपर हो जाते हैं द लेडी ऑफ द लेक कुछ नाम सुना सुना सा है ना कुछ मिलता जुलता सा नाम है ऐसा लग रहा है जैसे स्कॉट वगैरह के उसमें कहीं पढ़ा हो तो इनकी डेथ के बाद यानी कि आफ्टर हर डेथ तीन इनकी मतलब क्या कहते हैं एक पोम थी और दो कलेक्शन थी वो भी आई हैं क्या चीज़ मिस की है मैंने हाँ ये मिस किया है ना मैंने ये जो है ये थर्ड कलेक्शन कही जाती है ठीक है तो फर्स्ट किस में आई 1905 में द बर्ड ऑफ टाइम के बारे में कह रहे हैं नहीं इसके बारे में कह रहे होंगे ये लास्ट में कौन सी लिखी थी इन द ब्रोकन वे हाँ जी हाँ जी मनदीप सिंधु जी सिद्धू जी नाम मैंने गलत ले लिया है मुझे माफ़ कीजिएगा उसके लिए गोल्डन थ्रैश होल्ड नाइनटीन जीरो फाइव बर्ड ऑफ टाइम नाइनटीन और ये हो गया नाइनटीन सेवनटीन हाँ अब ठीक है एक पोम का नाम मिलेगा द टेम्पल ठीक है इसके बारे में आपको ईयर नहीं मिलेगा क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि पिलग्रिमेज करके इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया था तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोवर्शियल है अभी भी किसने आफ्टर डेथ तो पब्लिश कराई थी जो इनकी डॉटर थी पद्मज ठीक है चार बच्चे थे इनके 1901, जीरो कुछ इस तरीके से इनका सीक्वेंस है द सेक्टर्ड फ्लूट सेकोर्ड है सेक्टर्ड है क्या कह रहे हैं 1892 1710 में क्या खुशी अच्छा ईर बता रही होगी वो पर 1710 थोड़ा गलत नहीं लिख दिया इन्हें पूरा लिख के भेजा करो क्योंकि मैं बोर्ड पे रब कर देती हूँ ना कौन से वाले का बता रहे हो फिर मेरे को हिस्ट्री बतानी पड़ेगी ना उसकी अच्छा पूरा बताया करो एक दो हिंट भी अगर लिख दोगे ना उसमें तो मुझे नहीं वो तो खुशी मैं समझ गई स्कॉट के बारे में कर रहे हैं इसीलिए मैंने बोल दिया ठीक है वो तो मुझे पता है वोल्टर स्कॉट के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि उसकी क्लास में मैंने बोला भी था कि इसका नाम फिर भी पढ़ेंगे और ये है उनके लिए इनके लिए इनके भी है और तब मैंने ये भी कहा था कि सेम राइटर्स के बहुत सारे ऐसे वर्क हैं मतलब अलग अलग राइटर्स के सेम नाम के वर्क है तो बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है वो भी बताया था द सेक्टर्ड फ्लूट हाँ इसलिए मैं ना अवॉइड करती हूँ उसका थोड़ा सा देखना लास्ट जो चीज इनके बारे में यही बतानी है बस और क्या रह गया इनका द फेदर्स ऑफ डॉन हाँ फेदर्स ऑफ डी ए डब्ल्यू एन मॉर्निंग से सनराइजिंग से पहले का टाइम ठीक है जिसे कहते हैं मतलब तीन चार पांच पांच लास्ट ये वाला टाइम इसका ईयर बताओ द सेक्टर्ड फ्लूट 1953 फिफ्टी हाँ जी ब्रोकन विंग थर्ड 1917 ठीक है पैदल का भी आ गया मैंने एक जगह पता क्या टाइटल पढ़ा इसको दे रखा था फादर्स मतलब इस हद तक उस साइट पे मिस प्रिंटिंग थी तो आप सोच सकते हो कि फेदर्स है जो पंख होते हैं ना उनको तो 1961 वन आंसर आया है और क्या लिख के भेजा है 37 सेवन पोम्स हैं इसमें हाँ 37 सेवन पोम्स हैं इसमें संदीप ही जी कह रहे हैं 31 37 है 31 नहीं है 37 है इंडियन वीवर है वो खुशी गलती से ना मिसप्रिंटिंग हो गई थी आप वीवर लिख के भेज रहे हो इंडियन वीवर्स है वो ठीक है बाजार्स ऑफ हैदराबाद भी है ठीक है जो मैंने लिस्ट भेजी है ना उसमें आपको मिल जाएगा उसमें आपको पता चल जाएगा एट दी एंड 1949 में शी डाइड ठीक है और ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम ये गवर्नर कहाँ की थी 1947 में ये आगरा की गवर्नर थी और 1949 में ये गवर्नर थी अवध की उत्तर प्रदेश में ही जो है शिव कह रहे हैं थर्टी वन थर्टी सेवन है थर्टी सेवन पोम्स है थर्टी वन नहीं है ठीक है जो मैंने आपको लिस्ट भेजी है एक बार उस लिस्ट को पढ़ लेना इन ये ऐसी राइटर है इनको एक बार अगर आपने पढ़ लिया तो हाँ जी खुशी थर्टी सेवन है मैंने दो बार चेक कर लिया ठीक है सबसे लास्ट में मैंने ये जो नंबर थे ना इनके जो सीक्वेंस है कि कितनी पोम्स हैं जैसे फर्स्ट वाले में 46 पोम्स सिक्स इसमें सेवन पोम्स हैं तो मैंने चेक कर लिया क्या ये अमित क्या पूछ रहे हैं अमित जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगा ना तब दोबारा लगेगी ठीक है आपके सेम राइटर्स जो भी अगर आपको पढ़ने हैं ना जे गर्ल्स वर्दी भी तो आपको जॉन गर्ल्स वर्दी पर तो नहीं मिलेगी बट आप मिल्टन की शेक्सपियर की वीडियो चाहो तो प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हो ठीक है अभी मेन फोकस पंजाब की ही जॉब पर है बाकी पढ़ना आपको है मैं तो यही कहूँगी अगर आप टी जी की लिट्टी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ग्रामर पर ज़्यादा फोकस करें ठीक है तो थर्टी सेवन पोम्स हैं इसमें इतने नाम पहले आपको ध्यान रखने हैं जो लिंक ग्रुप पे दिया गया है उसे मैं पेस्ट नहीं करना चाहती यहाँ पर चाहूँ तो डिस्क्रिप्शन में डाल सकती हूँ बट उसके लिए टेलीग्राम का जो ऑफिशियल ग्रुप है जिसका कि डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस पर जुड़ जाइए ठीक है वहाँ से दो लिंक हैं दोनों पढ़ लीजिए बहुत ज़्यादा इनफ हैं कोई ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद जो पोम है उसमें जो है बाजार जो हैदराबाद में थे क्योंकि हैदराबाद से बिलोंग करती थी तो उनके बाज़ार का डिस्क्रिप्शन है इंडियन वीवर्स हैं तो वीवर किस तरीके की वो मतलब परेशानी से गुजर रहे थे क्योंकि मशीन्स आ गई थी ब्रिटिशर्स के टाइम में इंडिया मतलब इंडिया में तो जो वीविंग का था जो हैंडमेड चीज़ें चलती थी वो खत्म हो गई थी ये हम सोशल साइंस सारी चीज़ों में ये सब्जेक्ट्स में ये सोशल साइंस के पढ़ चुके हैं तो इतना ज़्यादा ना डीप में इनके उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ठीक है वर्क को आइडेंटिफाई कीजिए इनकी पोम के नाम को आइडेंटिफाई कर लेना बस बहुत है क्या करेंगे हम कल पहले ही बता दूँ मेरे को भी थोड़ी सी आसानी हो जाती है उस टाइम क्योंकि आजकल थोड़ा लेट आती हूँ ना घर काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है ए के रामानुजन को करते हैं कल क्या क्या रह गए हमारे रह गए ए के रामानुजन अमिताभ घोष सलमान रुशदी वी एस नाइपोल और मुल्क राजानंद खुशवंत सिंह भी रह गए ठीक है कल करेंगे ए के रामानुजन को तो मेरी तरफ से हैप्पी गुड नाइट खुश रहिए और पढ़ते रहिए एंड स्टे पॉजिटिव हैप्पी गुड नाइट सभी को ठीक है चलो कल मिलते हैं हाँ जी कुलदीप जी बता दिया हाँ टैगोर टैगोर का भी बता दिया